हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। दिल टूट जाता है, ग्लास भी टूट जाती है, चेयर और टेबल भी टूट जाता है। नाउ टूट जाना क्या होता है इंग्लिश में? ब्रेक। तो हर एक चीज के लिए ये ब्रेक शब्द ही लगाना जरूरी है क्या? कुछ और क्यों ना यूज करें? तो आज मैं इशिता आपको बताऊंगी कि आप ब्रेक की जगह कौन से ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंट मटेरियल्स। और टूटने फूटने जैसी कुछ और भी शब्द हम सीखेंगे। हमारा सबसे पहला वर्ड है चिप्ड। चिप्ड का मतलब होता है चटकना। तो ग्लास मटेरियल या क्रॉकरी आइटम्स क्या होता है? चटक जाती हैं। तो चटकने को इंग्लिश में हम चिप्ड बोलते हैं। आई फाउंड अ चिप्ड ग्लास। मुझे एक चटका हुआ ग्लास मिला। गाड़ी चलाते वक्त अगर धक्का लग जाए या पार्क करते वक्त किसी वॉल से अगर टकरा जाए हम, तो गाड़ी में भी कुछ लग जाता है। क्या? डेंट। ये अक्सर हम यूज करते हैं डेंट वर्ड। असल में डेंट का मतलब होता है धस जाना। डेंटेड मीन्स धस जाना। तो अगर मैं यहाँ पे बोर्ड पर बहुत जोर से मारूं तो शायद बोर्ड धस जाएगी अंदर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अफ्रेड आई हैव डेंटेड द कार। मुझे डर है कि मैंने अपनी कार में डेंट लगा दिया। अक्सर हम ऐसे ही बोलते हैं। तो यानी मेरे कार में धसने वाला निशान हो गया है। एवेंजर्स मूवी आप लोगों ने देखी है, उसमें हल्क होता है। और हल्क क्या करता है? गुस्से में जब होता है तो वो चीज़ों को ऐसे ऐसे पटकता है। तो कभी भी किसी चीज़ को बहुत हिंसक तरीके से मार कर या फिर पटक पटक के तोड़ा जाए तो उसे हम कहते हैं स्मैश्ड। फॉर एग्जाम्पल, गली मोहल्ले में अक्सर क्या होता है, क्रिकेट खेलते वक्त हम तेज मारते हैं और गिराकर किसी की विंडो में बॉल लग जाती है और वो टूट जाती है। तो यहाँ हिंसक तरीका नहीं पर बहुत जोर से किसी ने मारा, तो यहाँ पे इट इज स्मैश्ड। किड्स हैव स्मैश्ड ऑल द विंडोज। बच्चों ने सारी ही खिड़कियां तोड़ दी हैं। अ लवर्स पॉइंट पे बड़ी बड़ी चट्टानों में या फिर किसी पेड़ पर आप देखेंगे किसी ने कुछ खुरच कर लिखा होता है। अक्सर लवर्स वहाँ पे अपना नाम लिखते हैं। तो खुरच खुरच के जहाँ नाम लिखा होता है उस खुरचने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्रैच्ड। पीपल हैव बीन स्क्रैचिंग देयर नेम्स ऑन द रॉक्स। लोग चट्टानों पर अपना नाम खुरचते रहते हैं। टाइल पर या फिर किसी वॉल पर आप देखेंगे, स्पेशली जब अर्थक्वेक आता है या बिल्डिंग कमज़ोर होती है, तो आप देखना कभी किसी पिलर पर या किसी दीवार पर एक दरार पड़ जाती है, या टाइल्स पर, स्पेशली मार्बल्स पर। मार्बल्स बहुत नाजुक होते हैं, तो जब मार्बल्स पे बहुत ज़ोर से कोई चीज़ पटकी जाए तो वहाँ उसमें दरार पड़ जाती है। दरार पड़ने को इंग्लिश में हम कहते हैं क्रैक्ड। द टाइल्स आर क्रैक्ड। टाइल्स पर दरारें पड़ गई हैं। कोई चीज़ अगर एक्सप्लोड करे, फट जाए, तो उसके लिए भी इंग्लिश होना चाहिए। आखिर तो वो टूटी फूटी ही, तो फटने का इंग्लिश होता है बर्स्टेड। स्पेशली जब आप बलून्स फोड़ रहे हो, बर्थडे पार्टी के बाद लोग क्या करते हैं, बलून्स को बर्स्ट करते हैं, बलून्स को फोड़ते हैं या फाड़ते हैं। तो फोड़ने फाड़ने वाली बात हो या एक्सप्लोड आप कुछ कहना चाहें तो आप बर्स्ट यूज कर सकते हैं। जनरली क्रैकर्स के लिए भी हम बर्स्ट यूज करते हैं। डोंट बर्स्ट द क्रैकर्स। पटाखे मत फोड़ना। आई हेट इट व्हेन बलून्स बर्स्ट। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब बलून्स फटते हैं। तो ये थे गाइज टूटने फूटने वाली बातें, और आपने आज सीख लिए कुछ वर्ड्स जो आप टूटने फूटने की जगह यूज कर सकते हैं। तो हर बार ब्रेक बोलना सही नहीं है, आप इन शब्दों का भी यूज करें। बहुत सारे और भी वर्ड्स मिलते हैं, तो आप मुझे और वर्ड्स ढूंढ के बताइए, मैं आपको कमेंट में उसका भी मीनिंग बताऊंगी और सेंटेंस यूजेज। तो अब है बारी ट्रिविया की। आज की ट्रिविया में एक और वर्ड इंग्लिश का जुड़ेगा। आप सब ने बचपन में पढ़ा होगा कि किसी चीज के बच्चे को क्या बोलते हैं, एनिमल्स के बच्चे। सो आप आदमी के बच्चे को क्या बोलते हैं, टॉडलर, चाइल्ड। अब बताइए मुझे कि किसी स्पाइडर के बच्चे को क्या कहेंगे? कभी पढ़ा है आपने? अगर पढ़ा है तो जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। मैं वेट करूंगी आपका कमेंट सही है या नहीं। इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लीजिए, क्योंकि पॉज करने के बाद अगर आपने प्ले किया तो मैं आंसर बता दूंगी, और पॉज करके मुझे कमेंट करिए। तो बारी है अब आंसर जानने की। आपने डक का डकलिंग सुना है ना, डक के बच्चे को डकलिंग कहते हैं, तो स्पाइडर के बच्चे को भी स्पाइडरलिंग कहते हैं। बहुत से लोग इस वर्ड को नहीं जानते, तो कभी भी बेबी स्पाइडर दिखे तो आप उसे स्पाइडरलिंग बोलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन।
स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए गाइस, क्योंकि उसको प्रेस करने के बाद ही आपको नोटिफिकेशन जाती है। बहुत से लोग की कंप्लेंट्स थी ना कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो चेक करिए आपने बेल आइकन प्रेस करा हुआ है या नहीं। और ऐसे ही इंग्लिश लर्न करते रहिए और लोगों में भी अपना ज्ञान बांटिए। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।